डीमन स्लेयर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन और 12 गिसुकीज में से अपर रैंक 3 में आता है अकाजा। मतलब अकाजा के पावर के आधे का आधा भी हमने अभी तक सीरीज के अंदर नहीं देखा है, फिर भी इसने फ्लेम हासिरा रेनगोकू को मार रखा है। तो हम सब के लिए अकाजा एक विलन है जिसको हम कभी भी पसंद नहीं कर सकते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में अकाजा एक ट्रेजिक विलन है जिसकी बैक स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल बैक स्टोरी है पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में। तो चलो स्पॉइलर अलर्ट के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं अकाजा की बैक स्टोरी को। अकाजा जब पैदा हुआ था तब उसके सामने दो दांत थे और इसकी वजह से बहुत लोग उसे डीमन चाइल्ड बोलते थे। जन्म देने के बाद ही अकाजा की मॉम गुजर गई थी और बचपन से ही अकाजा अपने फादर के साथ बड़ा हुआ है। और अकाजा जब डीमन नहीं बना था, जब वो ह्यूमन था, तब उसका नाम था हाकुजी। हाकुजी का फादर बहुत ही ज्यादा बीमार रहते थे, उनको जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए होती थी और दवाई का पैसा हाकुजी जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए हाकुजी ने गलत रास्ता अपना लिया, वो चोरी करने लगा, गांव वालों को लूटने लगा। हाकुजी के लाइफ में बस एक ही मकसद था, अपने फादर के साथ जीना, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने गांव में 3 बार चोरी की और 3 बार ही वो पकड़ा गया। और जब भी वो पकड़ा जाता था गांव वाले उसको बहुत ही ज्यादा मार पीटते थे और उसके हाथ में एक निशान बना देते थे जो चोरी के निशान होते थे। पर हाकुजी ने जब 3री बार चोरी की तब गांव वालों ने उससे कहा, अगर तुम इसके बाद भी चोरी करते हो तो तुम्हारे 2 हाथ काट लिए जाएंगे। तब अकाजा ने क्या कहा पता है? जब तुम मेरा हाथ काट लोगे तब मैं पैर से चोरी करूंगा। ये क्लियरली ये शोन करता है कि हाकुजी अपने फादर से कितना ज्यादा प्यार करता है कि उनको जिंदा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। 3री बार चोरी करने के बाद हाकुजी जब अपने घर लौटता है तब वो देखता है उसके फादर ने सुइसाइड कर लिया है और उन्होंने हाकुजी के लिए एक नोट रख के गए हैं जिसमें ये लिखा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से हाकुजी का लाइफ पूरा खत्म हो जाए और वो चोरी के पैसे से जिंदा भी नहीं रहना चाहते। अपने फादर के जाने के बाद मानो हाकुजी के जीने का पूरा मकसद ही खत्म हो गया था। उसके दिल में इतना नफरत आ गया था कि वो गांव वालों को मारने लगा, उनसे झगड़ा करने लगा। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब हाकुजी 7 गांव वालों से लड़ रहा था और करीब उन 7ों को ही हाकुजी ने हरा दिया था। तभी हाकुजी के पास एक आदमी आता है जो हाकुजी को उसके साथ ले जाने आया था, पर हाकुजी ने उसको लड़ने का चैलेंज दिया और हाकुजी बस एक पल में ही हार गया। उस आदमी का नाम केइजो था। इसके बाद केइजो हाकुजी को अपने डोजो में ले जाता है और वहां केइजो हाकुजी को अपनी बेटी से मिलाता है जिसका नाम कोयुकी है, जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इतना बीमार कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। केइजो हाकुजी से बोलता है, अब से मेरी बेटी को तुम देखोगे। ये सुनकर हाकुजी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि केइजो को पता था कि हाकुजी एक बुरा इंसान है, लेकिन फिर भी उसने अपने सबसे कीमती चीज को हाकुजी को सौंप दिया। हाकुजी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो कोयुकी की सेवा करने लगा और केइजो के डोजो में मार्शल आर्ट भी सीखने लगा। हाकुजी का लाइफ बहुत अच्छा जा रहा था। फिर जब वो 18 साल का हुआ तब केइजो ने हाकुजी से कहा, अब मेरे डोजो का भार तुम पर है और तुम्हें मेरी बेटी से भी तो शादी करना है। ये सुनकर हाकुजी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और तुरंत उसने हाँ बोल दिया। फिर हाकुजी अपने फादर के ग्रेव के पास गया उन्हें ये बताने कि वो शादी कर रहा है और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। पर हाकुजी जब डोजो में वापस आता है तब वो देखता है कि केइजो और कोयुकी मर चुके हैं। उनके जो दुश्मन डोजो थे उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया और उस कुएं के पानी को खाने के बाद केइजो और कोयुकी मर गए हैं। इसके बाद हाकुजी की पूरी जिंदगी फिर से अंधकार में चली गई और उसने उस दुश्मन डोजो के 63 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। और जब ये मुजान ने देखा तब उसने तय कर लिया कि हाकुजी को वो डीमन बनाएगा। हाकुजी के पास जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा था। उसने केइजो से वादा किया था कि उसके जीने का मकसद है केइजो और कोयुकी की रक्षा करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। हाकुजी को देखकर मुजान को पता चल गया था कि इसके अंदर जो डीमन है वो मुजान के बहुत काम में आएगा। इसीलिए मुजान हाकुजी को डीमन बनने का ऑफर देता है, पर हाकुजी उस टाइम इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो मुजान के ऊपर भी हमला करने चला जाता है। पर मुजान उस हमले को डॉज करके अपना डीमन ब्लड का बहुत सारा हिस्सा हाकुजी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और हाकुजी बन गया अकाजा। मुजान ने अकाजा से अपनी सारी पुरानी मेमोरीज
छीन ली। अकाजा को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और अब उसके जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुजान है। अकाजा को अपनी पुरानी मेमोरीज याद नहीं है, लेकिन फिर भी अकाजा लड़कियों के ऊपर हमला नहीं करता, वो लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और डीमन स्लेयर के अपकमिंग सीजन में हमें अकाजा का असली पावर दिखाया जाएगा, जो देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो हाँ, ये था अकाजा की बैक स्टोरी। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो तुम लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।